दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दिल से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि भगवान बुद्ध की मोटिवेशनल कहानियाँ आप तक पहुंचती रहे। तो चलो बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि किसी ने मुझे गाली दी है, मुझे मारा है, मुझे हरा दिया है, मुझे लूट लिया है, ऐसी बातें जो सोचते रहते हैं, मन में बांधे रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता है। ये कहानी है प्राचीन समय की, कि भगवान बुद्ध जब सावस्ती में विहार कर रहे थे, तुल्लीतिस नामक चचेरा भाई जो कि वृद्धावस्था में भिक्खु बने थे, अपने से बड़े भिक्खुओं का आदर सत्कार नहीं करते थे। एक दिन कुछ भिक्खुओं ने उन्हें डांटा, तब वह दुखी होकर तथागत के पास गए, लेकिन तथागत बुद्ध ने धुल्लीतिस को ही उनसे क्षमा मांगने को कहा, किंतु उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। इस पर तथागत ने उन्हें कहानी सुनाते हुए कहा कि पूर्व जन्म में भी वैसा ही इसने किया था। जो व्यक्ति ये सोचते रहते हैं कि उसने मुझे गाली दी है, धोखा दिया है, दे रहा है और भविष्य में भी देगा, मेरे मित्र को धोखा दिया है, दे रहा है और भविष्य में भी देगा, तथा मेरे शत्रु की इसने सेवा की है, कर रहा है और भविष्य में भी करेगा, जो ऐसा सोचते रहेंगे वह कभी भी शांत नहीं रह सकता, ना ही वह अपने शत्रुओं को कभी जीत सकता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि उसके पैर में कांटा चुभ रहा है, अंत वह जमीन पर चरम बिछाया जाए, लेकिन उतना चमड़ा कहाँ से मिलेगा जो संपूर्ण जीवन जमीन को ढक सके? क्या ये ही अच्छा होता कि यदि वह यह जान ले कि छोटे से चमड़े का जूता बनाकर पहन लेने से दुनिया के किसी भी कोने में बिना पैर में कांटा चुभे जा सकता है? उसी प्रकार व्यक्ति यदि अपने अंदर विद्यमान देश, क्रोध आदि को नष्ट कर दे, तो शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ऐसा ना कर क्रोध को अपने अंदर पालकर, उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे मित्र को धोखा दिया है आदि सोच अपने शत्रुओं का नाश करना चाहे, तो वह कभी भी संभव नहीं होगा। अपति शत्रुओं की संकला ही बढ़ती जाएगी। आज तक दुनिया के इतिहास में स्वयं व्यक्ति को तो क्या, बहुत बड़ा सम्राट भी अपने दुश्मन को नष्ट नहीं कर सका। व्यक्ति को चाहिए कि वह बिना हाथ पैर मुंह वाला, अर्थात जिसका कोई रूप ही ना हो, ऐसे देश या क्रोध को अपने मन से बाहर फेंक दे, तभी उसे शांति मिलेगी। सामान्य जन के लिए यद्यपि ये कठिन आवश्यक है, लेकिन संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति जिसके हाथ पैर एकदम गले जा रहे हों, और वह चाहे कि दवाई की एक पुड़िया खाए और ठीक हो जाए, तो ये संभव नहीं है। लेकिन नियंत्रण औषधि से सेवन से ठीक हुआ जा सकता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति असंख्यक कल्पों से, राग देश से संस्कृत प्रभावित एवं पलवित है, वह धर्म दर्शन की बातों को सुनने मात्र एवं कुछ समय के प्रयास से चाहे कि राग देश नष्ट कर लेगा। ऐसी आशा करनी चाहिए, साधना में धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। उसके बिना हम निर्वाण की प्राप्ति या परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते।